इस बार होली के शुभ अवसर पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि निरहुआ की फिल्म शेर हिंदुस्तानी और पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और इन फिल्मों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बताना चाहेंगे कि निरहुआ की फिल्म शेर हिंदुस्तानी देशभक्ति पर आधारित थी, वहीं दूसरी और पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर एक्शन से भरपूर फिल्म थी। निरहुआ की फिल्म शेर हिंदुस्तानी को यू सर्टिफिकेट मिला था जिसे हर वर्ग का व्यक्ति देख सकता था, लेकिन दूसरी ओर पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर को ए सर्टिफिकेट यानी अडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया था। ए सर्टिफिकेट मिलने वाली फिल्मों को 18 वर्ष से कम लोग देख नहीं सकते हैं। इसका बड़ा खामियाजा फिल्म के निर्माताओं को झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी पवन सिंह की फिल्म भोजपुरी दर्शकों को बेहद ही पसंद आ रही है। बताना चाहेंगे, होली पर रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों को लेकर लोगों के बीच पहले से ज्यादा क्रेज बना हुआ था। हालांकि इन फिल्म के ट्रेलर लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए थे, लेकिन इस बार निरहुआ की फिल्म शेर हिंदुस्तानी ने जी मार लिया। जी हाँ, शेर हिंदुस्तानी को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सिनेमा घरों के बाहर होली के अवसर पर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। निरहुआ की फिल्म शेर हिंदुस्तानी बढ़िया कहानी और कंसेप्ट पर आधारित थी और यही बड़ी वजह है कि भोजपुरी दर्शकों को ये फिल्म बेहद ही पसंद आ रही है। शेर हिंदुस्तानी के अगर निर्माता की बात करें तो इस फिल्म के निर्माता है रत्नाकर कुमार, जबकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मनोज नारायण है। मनोज नारायण ने फिल्म शेर हिंदुस्तानी को बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और फिल्म लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। इसी के साथ ही आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि फिल्म शेर हिंदुस्तानी में निरहुआ के अपोजिट आयुष रिजल, नीता ढुंगाना, सुनील थापा, संतोष पहलवान जैसे मुख्य किरदार फिल्म में चार चांद लगा रहे हैं और इन किरदारों को लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्रैक फाइटर फिल्म की बात करें तो इस फिल्म के निर्माता है उपेंद्र सिंह, इस फिल्म के निर्देशक है सुजीत कुमार सिंह। सुजीत कुमार ने भी फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म में भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। पवन सिंह की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में वो पावर स्टार कहलाए जाते हैं और ऐसे में उनकी फिल्म क्रैक फाइटर भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इस फिल्म के अगर कलाकारों की तरफ आ जाए तो इस फिल्म के कलाकार हैं पवन सिंह, संचिता बनर्जी, निधि झा, चांदनी सिंह, प्रदीप रावत जैसे मुख्य किरदार हैं। प्रदीप रावत की बात करें तो इस फिल्म में उनका खलनायक वाला लुक लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। प्रदीप रावत बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभा चुके हैं और ऐसे में पवन सिंह पर वो काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं फिल्म क्रैक फाइटर में। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और आपने होली पर किस अभिनेता की फिल्म देखी? क्या आपने क्रैक फाइटर देखी या फिर शेर हिंदुस्तानी? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।